क्वेश्चन नंबर 140 है आपके सामने। इसमें क्या दिया, द कैश डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 4% एंड 6% इज 3, द रेशियो ऑफ टू सेलिंग प्राइस इज। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन में अपन को दो सेलिंग प्राइस दिए, एक 4% प्रॉफिट पर, एक 6% प्रॉफिट पर, और दोनों के बीच का डिफरेंस कितना दिया, 3 रुपये का दिया था दोनों के बीच का डिफरेंस। ठीक है, अब अपन से क्या बोला है, इस चीज़ का मतलब क्या है कि 4% और 6% के बीच का कैश डिफरेंस 3 रुपीज़ है, मतलब 2% की वैल्यू कितनी है, 3 रुपीज़ है। अगर 2% की वैल्यू 3 रुपीज़ है तो यहाँ से जाएगा 20% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 रुपीज़, एक एक जीरो ही बढ़ाना है। और यहाँ से अगर अपन 5 का मल्टीप्लाई कर दें तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100% की वैल्यू हो जाएगी 150 रुपीज़। ठीक है, ये तो बिल्कुल आसान सी बात हो गई। अब अपन को चाहिए एक सेलिंग प्राइस 104%, एक सेलिंग प्राइस 106%। देखिए 2% की वैल्यू अगर 3 रुपये है तो 4% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4% की वैल्यू हो जाएगी 6 रुपये, मतलब 104% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 156 रुपीज़। ठीक है, और अगर 2% की वैल्यू 3 रुपीज़ है तो 6% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 का मल्टीप्लाई कर दो 9 रुपीज़ हो जाएगी, तो 106% की वैल्यू हो जाएगी अपने पास कितनी, 159 रुपीज़। ठीक है, अब इन दोनों का रेशो चाहिए, इन दोनों का रेशो चाहिए मतलब क्या, 159/156। ठीक है, छोटे अपन बड़े का चाहिए क्योंकि हर ऑप्शन में देखो छोटा अपन बड़ा है। ठीक है, तो छोटे अपन बड़ों का कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 152 कर लेते हैं, 156/159। ठीक है, इसको काटें अपन अगर तो ये कट जाएगा 3 5 15 और 3 2 6। ठीक है, 3 5 15, 3 3 9, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा 52:53, कौन से ऑप्शन में, थर्ड ऑप्शन में। ठीक है,